Hello everyone, I am Dr. Karthik Subramanian, consultant orthopedic trauma, joint replacement and arthroscopy surgeon. And I am here to discuss about knee replacement. What is knee replacement? Knee replacement is nothing but replacing your worn and torn cartilage and the bone which forms the knee joint. That is of the femur and that is of the tibia. In earlier days, it used to be a vast procedure extending till hours and replacing centimeters of your original bone. Abhi ke zamane mein, the technology have advanced and we do it in a minimally invasive method. Ghutne ko puri tarike se upar aur niche open nahi kiya jata. Ghutne ka jo incision hai, jitna implant lagane ke liye zarurat hai, utna hi khola jata hai. Muscles जो पिछले ज़माने में कट किए जाते थे, अभी हम उन्हें कट नहीं, अभी हम उन्हें बचा के साइड से रिप्लेसमेंट का प्रोसीजर करते हैं. लिगामेंट्स जो ज़रूरी है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए, उनको बचाया जाता है. सिर्फ वो लिगामेंट्स जो ख़राब हैं उनको रिप्लेस किया जाता है विद हाई क्वालिटी मटीरियल्स. अलॉन्ग विद द टेक्निक इवन द मटीरियल्स हैव इवॉल्वड ओवर द डिकेड्स. कोबाल्ट क्रोम, टाइटेनियम, जर्कोनियम एंड गोल्ड नीस, ये सारे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हैं इन द लास्ट टू डिकेड्स. रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी के ऊपर डिपेंड करता है एंड फिटनेस के ऊपर. एक प्रोसीजर जो पहले कहीं घंटों तक चला करता था विद लॉट्स ऑफ ब्लड लॉस एंड रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस, अभी एक घंटे में किया जाता है विथ मिनिमल ब्लड लॉस एंड पेशेंट उसी दिन शाम को चलना शुरू करता है अपने खुद के नए घुटने पे. हु रिक्वायर्स नी रिप्लेसमेंट सर्जरी? एनी वन हु इज सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म आर्थराइटिस, हु इज वॉकिंग एंड डूइंग द रूटीन एक्टिविटीज ऑन वोर नॉट बोन्स, जिनके घुटने एक हद से ज़्यादा घिस गए हैं एंड वो अपने रूटीन एक्टिविटीज़ में भी दर्द महसूस कर रहे हैं खड़े होते हुए, बैठे हुए, इवन होमली रूटीन एक्टिविटीज़ में, उनको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है. अभी नी रिप्लेसमेंट के पहले आपको एक लोकल ऑर्थोपेडिशियन से जांच करवाना ज़रूरी है कि आपके मसल्स एंड लिगामेंट्स कितने मजबूत हैं, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट्स में मसल्स रिप्लेस नहीं किया जाता, सिर्फ खराब हड्डी को रिप्लेस करते हैं. सबका घुटना घिसना है, आपका और मेरा भी, बट किस रेट में घिसता है और उसको हम किस तरह संभाल के रखते हैं ये इम्पॉर्टेंट है. घुटनों का घिसना हमारे घुटनों की ताकत और मसल के ताकत के ऊपर डिपेंड करता है. अगर आपका घुटनों का ताकत अच्छा है, हड्डी का ताकत अच्छा है, मसल का स्ट्रेंथ अच्छा है और एक्सरे में घुटने घिसे हुए हैं और आपको डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में तकलीफ होता है, means you are a candidate for knee replacement. घुटनों का जो घिसना है वो उम्र के हिसाब से सबका होता है, but there are other conditions like rheumatoid arthritis, सांधेवाद जिसको usually बोलते हैं, या कहीं लोगों में जिनका पुराने इंजुरी के वजह से घुटनों का घिसना दो गुना चार गुना ज़्यादा घिसना शुरू हो गया है, इन सब लोगों को भी नी रिप्लेसमेंट किया जा सकता है. रिकवरी पीरियड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अगर आप चाहे, अगर पेशेंट चाहे तो वॉकर एक हफ्ते में भी छोड़ सकता है, या मैक्सिमम चार से छः हफ्ते लगता है, डिपेंडिंग अपॉन योर विल पावर, मसल स्ट्रेंथ एंड बोन स्ट्रेंथ. सो अगर आपके घुटने आपको बहुत दिनों से तकलीफ दे रहे हैं तो आइए अपने नए घुटने के साथ अपना नॉर्मल और हेल्दी लाइफ जीना शुरू कीजिए. डरिए मत, इट्स अ रिलेटिवली सेफर प्रोसीजर दीज डेज एंड द रिकवरी पीरियड इज फास्टर, प्रोवाइडेड इट इज़ वेल अंडरस्टूड बाय द पेशेंट एंड द इंस्ट्रक्शंस आर वेल फॉलोड. पोस्ट कोविड वी आर टेकिंग द नेसेसरी प्रिकॉशंस टू डू इट इन अ मच सेफर वे. तो इस वीडियो के बारे में आपको कुछ डाउट्स है या क्वेरीज हैं तो फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस. थैंक यू. बुक योर सर्जरी अपॉइंटमेंट ऑन pristinecare.com. Pristine Care.